Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. Plus, I'm also going to be sharing some tips to study effectively. So make sure to watch till the end and don't forget to like and subscribe and let's get started. So right now I'm doing organic chemistry. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी batch में अभी organic chemistry start हुआ है. आई गेस सारे बैचेस में अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, यकीन 2.0 में भी एंड 3.0 में भी. सो दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में ही जा रहा है. सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, विच इज़ हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली. सो देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक मेथड विच यू कैन यूज़ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ मेथड्स टू इम्प्रूव you know studies and concentration. So today I'll be sharing some of those methods. So starting with the first one, which is plan. So planning is really important. So how can you plan your day? Either you can plan your day or plan your week. So you have to make the to-do list. First make the to-do list of weekly things, like आपका weekly target क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें complete करनी है, and then according to that weekly to-do list you have to create the daily to-do list. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में क्या क्या चीज़ें complete करनी है, and इसके बाद ना आप time set कर लो किसी भी एक task के लिए. For example, अगर आपको bio का कोई chapter revise करना है तो आप ऐसा सोच लो कि मेरे को 2 hours के अंदर अंदर इसको revise करके हटाना है. नहीं तो अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे टाइमिंग का, तो वो आप 3-4 घंटे उसी में लगा दोगे, फिर भी वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा. तो हमेशा ना एक टाइमिंग का टारगेट अपने दिमाग में सेट कर लिया करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टास्क. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बायो का कोई पुराना चैप्टर रिवाइज करना है एंड आपका फिजिक्स का कोई बैकलॉग है, तो आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें. आप पहले फिजिक्स का कंप्लीट करोगे, उसके बाद बायो का करोगे, क्योंकि जब हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन होता है ना, हमको उस टाइम पे वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. मैं ऐसा नहीं कह रही कि बायो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर बैकलॉग कंप्लीट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन रिवाइजिंग द ओल्ड स्टफ विच यू ऑलरेडी नो. सो नाउ कमिंग टू द टिप नंबर 2, विच इज़ यूज़ प्रोमोडोरो टेक्निक. So according to studies, it is found that person can maintain focus for maximum of 25 or 50 minutes. तो आप क्या करो कि study for 25 minutes and then rest for 5 minutes. और अगर आपको थोड़ा लंबा study session करना है, so you can use 50 minutes of study and 10 minutes of rest. क्या है कि जितने देर आप ब्रेक लोगे, आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा एंड खाली हो जाएगा, तो आप दोबारा से पढ़ सकते हो. सो जब भी हम पढ़ते हैं, हम कहीं ना कहीं तो अटकते हैं. सो आई वॉन्ट टू रिकमेंड अ वेरी यूजफुल ऐप फॉर यू. सो दिस ऐप इज़ कॉल्ड फिलो. सो फिलो इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर यू कैन सॉल्व ऑल योर कॉन्सेप्ट. यू जस्ट नीड टू टेक द फोटो ऑफ द क्वेश्चन, टॉपिक डायग्राम, फ्लो डायग्राम इन विच यू हैव कन्फ्यूजन एंड अपलोड ऑन दिस ऐप. एंड दिस ऐप विल कनेक्ट यू टू अ लाइव टीचर फॉर लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन इन जस्ट 60 seconds. And all the teachers on this app are very well educated, so you must try this app out. I have given the link in the description, you can check it out from there. And now coming to our next study tip, which is don't procrastinate. See, procrastination हम सब लोग करते हैं. procrastination कहीं ना कहीं main वजह होती है, main reason होता है जिसकी वजह से हमारा day productive नहीं रहता या फिर हमारी studies अच्छी नहीं चलती हैं. so हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि procrastinate मत करो और सब सही हो जाएगा, पर हमें समझ में नहीं आता ऐसा करें कैसे. so procrastination से बचने के लिए ना अपना दिमाग सिर्फ एक ही जगह लगाओ, एक जगह फोकस करो. अगर आप अपना दिमाग बहुत सारी जगह लगाओगे ना, तो कोई भी चीज़ नहीं होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये मत सोचो कि मेरे को फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है. सबसे पहले आप ये सोचो कि हाँ, मेरे को अभी एक सब्जेक्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे को बायो का ये वाला चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो आप उस टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो. सो यू कैन यूज़ प्रोमोडोरो टेक्निक फॉर इट, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ डू नॉट डिस्टर्ब मोड. आप अपने फ़ोन और लैपटॉप को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर कर दो, जिससे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके फ़ोन या लैपटॉप में एक भी नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए. ये भी आपको प्रोकेस्टिनेशन से
ना करने के लिए हेल्प करेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टडी टिप व्हिच आई विल गिव यू इज गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड। जब भी आप कोई अच्छा स्टडी सेशन कंप्लीट करते हो या फिर आप अपना डेली और वीकली टारगेट कंप्लीट करते हो तो आप अपने आप को कोई गिफ्ट दो। वो गिफ्ट छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई गिफ्ट देना, कोई छोटी सी चीज़ भी। जैसे अगर आपको स्टेशनरी पसंद है तो आप कोई भी चीज़ खरीद लो, या फिर आपको खाने का पसंद है तो आप ये सोचो कि हाँ अगर मेरा ये इस चीज़ें कंप्लीट हो गई तो मैं यहाँ पे खाने जाऊँगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी ना हमें फोकस रहने में और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करती हैं। एंड नाउ कमिंग टू अ लास्ट स्टडी टिप, ये लास्ट भले ही है पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ रिवीजन। रिवीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बीइंग अ ड्रॉपर आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट रिवीजन इज़ फॉर नीट एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर आप किसी भी ड्रॉपर से पूछोगे ना कि क्या चीज़ आखिरी में जाके सबसे ज़्यादा रिग्रेट करती है, तो वो आपको यही बोलेगा कि रिवीजन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जो भी चैप्टर मैंने बहुत बार भले ही पढ़ रखे थे पर मैंने उनको लास्ट टाइम पर रिवाइज नहीं किया था, तो मैं एग्ज़ाम में जाके उस चैप्टर के बारे में सब कुछ भूल गई थी, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। सो रिवीजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। So these were all the study techniques which I wanted to share with you guys. I hope you liked it और ये आपकी help करेंगी पढ़ाई को लेकर। So if you guys have any topic in mind which you want me to make video on, do let me know in the comments, and if you like the video don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then take care, I love you guys so much, bye guys.